ये है खेल फौलादी और अब आएंगी आइकॉन खिलाड़ी यूपी वॉरियर्स की, उनकी कप्तान पावर्ड बाय थम्स अप देवेज। हुण मुकाबला है 53 किलोग्राम वर्ग देवेज दिल्ली वॉरियर्स वालों यूक्रेन दी लिलिया होइस्ना। यूपी वॉरियर्स वालों इंडिया दी बबीता कुमारी। याद रखिए 2-3 से पिछड़ रही है यूपी वॉरियर्स की टीम। भावना अपनी मातृभूमि से जुड़ जाए वो सर्वोच्च है। पिछले मैच में बहनें दो टकराई थी तो उसने कहा मैट पे बहन नहीं है ये मेरी, ये बहन मैट के नीचे जाके यहाँ तो मेरी दुश्मन है, मान गया भाई। लेकिन सिद्धू जी ये तो मानना होगा कि इस वक्त तूफान में फंसी हुई नाव को किनारे लाने की जिम्मेदारी है अपने बाहुबल से, लेकिन फिलहाल तो अपने हाथों से बाहुबल से स्थिति को पलटने की कोशिश करती हुई। सर पहलवान समाज का एक ही भाग्य है, भुजाओं का बल, वही तुम्हारा भाग्य बनाता है और इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है, बाद में उसे भाग्य का नाम दे देता है। तो बबीता लग गई है दाव पे, जिंदगी तुम्हारी। लेकिन शुरुआती अंक दो अंक बटोरे यहां पर और शीना ने वापसी करने की कोशिश, ऐसा लगा कि जैसे दाव उल्टा पड़ गया बबीता पर। एक अंक का आखिरकार बटोरा क्योंकि बाहर धकेला प्लेइंग एरिया से, लेकिन अभी भी एक अंक से पिछड़ रही है। जी हां बिल्कुल, दाव लगाया था बबीता ने, फायदा उठाया लिलिया ने और उसके बाद बाहर निकाला बबीता ने। उतार चढ़ाव से भरी हुई कुश्ती। हाँ होता कुछ है, करता आदमी कुछ है। गोली मारी राम को लगी, घनश्याम को मर गए बिहारी। टाई स्कोर पर नजर डालिए, 3-2 से दिल्ली की टीम आगे है। तो ये एक बहुत अहम मुकाबला है यूपी वॉरियर्स के लिए। बबीता उनकी कप्तान इस समय मैट पे, कुछ ना कुछ तो अजब करना होगा। याद रखिए अभी तक इससे पहले जो दो मुकाबले खेले हैं बबीता ने हार का मुंह नहीं देखा है। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं और हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले दूसरों की सफलता का एहसास करते हैं। मेहनत कर रही है लड़की, जोश और जज्बा दिखा रही है। आयतुल्ला खलखली जलवाय जुम्बिश, यहाँ ग्राउंड पोजीशन पर डेंजर किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 अंक मिले थे। अपनी स्थिति को मजबूत बनाती हुई लिलिया, जो कि भारतीय परिवेश में पहली बार लड़ रही है इस प्रतियोगिता में, और 3 अंकों की अहम बढ़त उनके पक्ष में। और यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि बबीता अटैक करती है लेकिन उसका तोड़ बहुत जबरदस्त है लिलिया के पास। लिलिया ने तो बना दिया भीगी बिल्ली सामने वाले को। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी लग रही है, जज्बे के साथ आई है और एक उफान लेके आई है जिसमें बह गई है लगती है मुझे बबीता। देखिए कद लंबा है तो अपनी पहुंच का भी फायदा उठाती हुई, रीच का फायदा मिल रहा है यहाँ पर लिलिया होर्शीना को। कद तो बांस का भी लंबा होता है अंदर से खोखला होता हो और गन्ने का कद छोटा होता है, अंदर से भी मीठू मीठू बाहर से भी मीठू मीठू, कद का क्या है। कद के साथ साथ जो दिल में हौसला है वो भी दिखाती हुई, और हुनर 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 उसमें एक स्किल है, उसमें एक कला है, उसकी तारीफ। और वैसे देखा गया है कि कई तो छोटे कद के बड़े खिलाड़ी भी होते हैं जो आपकी गेम में सिद्धू जी। सुनील गावस्कर, नेपोलियन बोनापार्ट, सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रैडमैन। तो अब यहां देखना होगा दिलचस्प कि क्या बबीता सचिन या गावस्कर की बराबरी कर पाएंगी, लेकिन फिलहाल मौका ताड़ा था उन्होंने और निश्चित तौर पर ये उनके पक्ष में जाएगा और वही हुआ, बराबरी करने में कामयाब हो गई बबीता। पल में तोला पल में माशा, कभी उदय कभी अस्त, कभी पतझड़ कभी बहार, भगवान की माया कभी धूप कभी छाया। देखो तो सही मामला फिर बराबरी पे आके टिक गया, कांटा बराबर खटे। पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर इस पहले राउंड के अंदर काफी तीव्रता दिखाते हुए दोनों के दोनों रेसलर्स। ये डिसाइडिंग बाउट हो सकता है, याद रखिए दिल्ली वीर की टीम के लिए अगर ये जीत जाते हैं तो ये मुकाबला उनके नाम हो जाएगा क्योंकि 3-2 से आगे हैं। अगर ओवरऑल फिक्स्चर्स की बात करें तो इस बाउट में 4-4 की बराबरी,
लेकिन फिलहाल दिल्ली पर खतरा मंडराता हुआ, खासकर ये देखते हुए कि आखिरी अंक जो है बबीता ने बटोरा है। रेस जिताने वाला घोड़ा है, अरबी घोड़ा क्या दुबला भी हो जाए गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर। खटैक पहला राउंड समाप्त, इसी बीच 4-4 की बराबरी इस पहले राउंड के बाद बबीता और लिलिया होशीना के बीच। अधम किस्म के इंसानों को रोटी कपड़ा मकान की चिंता रहती है, मध्यम किस्म के इंसानों को मृत्यु का भय रहता है, लेकिन उच्च कोटि के स्पोर्ट्समैन को अपमानित होने का भय रहता है। दिल्ली की यूपी की साख दांव पे लगी, दिल्ली की भी लगी है, लेकिन यूपी दो मैच हार चुकी है और ये तीसरा है। अगर तीसरा हारे तो बाय बाय, इसलिए आज करो या मरो। कहते हैं कि बड़े फेमस जर्नल का ये वो है कथन, Sometimes the true test of courage is to survive rather than to die. तो आज survival का युद्ध है। बिल्कुल पिछड़ रहे हैं एक तो इस भी फिक्सर के अंदर, और पहले दोनों फिक्सर जो खेले वो दोनों हारे। यहाँ जिस तरह से चपलता दिखा रही बबीता, ऐसा लग रहा है कि ये पहला राउंड खेल रही हो, क्योंकि दूसरे राउंड में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि थकान का असर दिखता है, लेकिन यहाँ बहुत फ्रेश दिख रही है दोनों पहलवान। सिर्फ चेहरे पर ना जाइए, सतह के नीचे कितने पैर चलाए जा रहे हैं उसको उस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, लगता है मेरी बात सुन ली है उन्होंने, टेक्निक लगाई है अपनी तरफ से। अब इसके अंकों में बदल पाती है या नहीं ये देखना दिलचस्प। रवानगी का खेल है, रवि शास्त्री 4 घंटे खेल के आए थे, 7 रन बनाए थे, तो बार उनके कोच ने कहा चौकीदार को भी दूंगा पैसे तो वो भी खड़ा रहेगा। और खूबसूरती के साथ और निश्चित तौर पर स्थिति को पलटते हुए 2 अंक बटोरे और दोबारा उन्होंने फितरे लगाए और स्थिति को और ज्यादा आसान कर दिया है अपने लिए। और ये दाव बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है, और देखिए इसी फितरे दाव की वजह से योगेश्वर दत्त लंदन ओलंपिक के हीरो बने थे और यहाँ पर वही काम कर दिखाया लिलिया ने। 8 अंकों का फासला है, एक ही दाव के अंदर पूरा मुकाबला बदल दिया। कई बार एक दोष जो है 100 गुणों को ढक देता है, और ये वही हुआ है। 100 सुनार की, सुनार करता है टुक 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 टुक, और एक लोहार, ये एक लोहार की पड़ी है, ये ठंडे लोहे को भी मार के गर्म कर दिया है। तो कमाल की ये कुश्ती हुई है, लेकिन उसमें वो जो एक लम्हा था फीतले वाला, पीतले ने तितली बना दी। और तारीफ करनी होगी लिलिया की, जिन्होंने ना सिर्फ अटैक किए बल्कि रक्षण भी उनका बहुत ही लाजवाब, क्योंकि खतरा मंडरा रहा था पिछले दाव पर, लेकिन उसमें वो बाल बाल बची अच्छे रक्षण की बदौलत। और फासला बहुत ज्यादा, 6 अंकों का फासला है, लगभग 1 मिनट 20 सेकंड बाकी। अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया नहीं है, ये तो बाज है, गुड़िया है गुड़िया। और एक बार फिर से रक्षण का इम्तिहान लिलिया का, और देखना है इसका कितना लाभ उठा पाती है। अंतर जरूर कम किया, लेकिन अभी भी फासला 4 अंकों का। आस जीवन की लांगर है, लड़खड़ाती है, गिरती है, पड़ती है, फिर उठ खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आस है। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी का काम करती है। देखिए पिछले 30 सेकंड के अंदर धीरे धीरे करके 2 पैंतरे लगाए और 4 अंक बटोरे हैं बबीता ने, तो हार नहीं मानी है, जो हौसला है वो टूटा नहीं है। और यहाँ पर कोशिश करती हुई जी बाहर धकेला है, 1 अंक और लेने में कामयाब होंगी बबीता। कितना समय, 53 सेकंड और फासला 3 अंकों का। मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो 2 पंक्तियां याद आती है सिद्धू जी, मेरा कहा यूं ही नहीं, मेरा लिखा यूं ही नहीं, उठकर गिरा, गिरकर उठा, आगे बढ़ा यूं ही नहीं, जरूर कुछ बात है तुम में, ये दिल फिदा यूं ही नहीं। करंट वाला खेल, पर अब कुछ इलेक्ट्रिक करना होगा बबीता को भी, क्योंकि देखिए अंक बराबर करने से नहीं जीतेंगे, बड़े अंकों का पैतरा लगाया है होशीना ने। कहानी का अंत है सबसे महत्वपूर्ण, आप रिले रेस भाग रही हैं, 4000 मीटर भागते हुए आए, शुरू में पूरा आगे, एंड तक आगे, और आखिरी 100 मीटर में दम टूटा और कोई 3 बंदे आगे निकल गए, फूक निकल गई, तो ये तो अंत में जो टेप को पकड़ेगा वही है। और ये 2 पॉइंट और, बहुत ही कड़ा मुकाबला, बबीता ने पूरी तरह से होशो हवास में रह के इस हार को जीत में तब्दील करने का एक भरसक प्रयास किया है।
जोरदार शानदार शानदार जमवाई जुम्बिश, धड़कनों को रोक देने वाला मुकाबला, रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर। और ये दो पॉइंट और आएंगे, क्या बबीता कर पाती है या नहीं, और कंट्रोल लेने का पूरा प्रयास, और देखिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। समय बचा है क्या, क्या ये अंक मिलेगा, ओह क्या इस अंक की पुष्टि होगी, प्रोटेस्ट आ सकता है यहां पे, बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है। दो पॉइंट की मांग कर रही है यूपी की टीम। देखा है कि जब बहुत ज्यादा जोर लगता है किसी रेस में या किसी भी स्पोर्ट में तो दम टूट जाता है एंड में, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पूरा दमखम लगा दिया, कमाल की कुश्ती, नायाब। अब प्रोटेस्ट आया है दिल्ली वीर की तरफ से, क्योंकि अंक दे रहे थे वहां पर जज। दिल्ली वीर ने शायद इसीलिए प्रोटेस्ट किया होगा, जो मुझे लगता है कि जो पोजीशन ली जाती है पीछे आकर, जिसमें दो आपके घुटने और एक कोहनी या एक आप अपना सिर को आप नीचे लगाते हैं अपोनेंट के, वो लगाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन यहाँ उनके दिल्ली को ऐसा लग रहा है, दिल्ली वीर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया और शायद उनके पक्ष में अंक दे दिया गया है। तो एक रेफरल मांगा गया है, देखते हैं रिप्ले के ऊपर क्या घटा था। रेफरल जूरी जो है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है रेसलिंग की दुनिया का, और स्लो मोशन में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बबीता ने किस तरह से जुझारूपन दिखाया है, हार नहीं मानी और अंत भला सो हो भला। लेकिन लीलिया की सिद्धू जी देखिए पकड़ जो है वो बहुत मजबूत थी, लेकिन ये पकड़ छूटी भी है यहाँ, इसलिए इस आधार पर बबीता के पक्ष में जा सकता है ये मुकाबला। और अगर पक्ष में गया तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में हर्षित होगा और अर्पित होगा ये मुकाबला, क्योंकि ऐसे मुकाबले रोज रोज नहीं होते, सालों में एक बार होते हैं, और आज दो दो मुकाबले ऐसे हुए हैं, सोने पे सुहागा, शेर पे सवा शेर, और ऊपर से सिद्धू बब्बर शेर। जूरी के पास जाते हुए इसको डिसाइड करने के लिए अब जोम दाउन जो रेफरी है बातचीत करती हुई वहां पर राज सिंह से, साथ में बीएन परसूद भी मौजूद, और करतार सिंह जो बहुत ही होनहार रेसलर रहे हैं, भारत के शान बढ़ाई है हमारी, वो भी इस जूरी में शामिल। कुर्सी की शोभा बढ़ गई जिस पे करतार बैठ गए, सरताज हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ रेसलिंग में भी हिस्सा ले रहे हैं, और अभी कुछ देर में सिद्धू जी उतरने वाले हैं, गुरपाल उनके भतीजे। गुरपाल वाकई पिछली कुश्ती में कमाल का हुनर बिखेरा था उन्होंने। यह ज्ञान सिंह दिल्ली के सलाहकार, दिल्ली टीम के, और ये जगमिंदर उत्तर प्रदेश टीम के सलाहकार। दिल की धड़कने तेज होती हुई क्योंकि अभी भी फैसला नहीं, दो पॉइंट दे दिए गए और ये निर्णायक दो अंक होंगे, जीत, क्योंकि जीत दिलाएंगे ये बबीता को और सीना के खिलाफ। क्या मुकाबला रहा है, 13-12 से बबीता विजय, अपना ऑल विन रिकॉर्ड बरकरार रखती हुई। क्या कहूं बबीता की किस्मत के बारे में, जब भी डूबने लगती है समंदर उछाल देता है। जी हाँ बिल्कुल, और मैं कहूंगा 4-12 से एक समय वो पिछड़ रही थी, और उसके बाद शानदार तरीके से उन्होंने वापसी की और निर्णायक वापसी की, और मुकाबले को उन्होंने बहुत ही रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। याद रखिए जब पिछले लगे थे तो दाएं हाथ पे चोट आई थी बबीता कुमारी के, उस चोट के बावजूद 8 अंकों से पिछड़ने के बावजूद वापसी करके 13-12 से इस मुकाबले को जीता है, और अब 3-3।